मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। ठीक, कल मैंने आपको पूरा हिंदी व्याकरण का जो रीढ़ होती है ये वाला चार्ट प्रोवाइड किया है। अगर हो सके तो इस चार्ट में पूरे स्वर, व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, उसमें स्पर्श, घोष, अघोष सारे छिपे हुए हैं। अगर आप इसको पढ़ लोगे, मेरी तो सलाह ये है कि आप इसको रट डालो। ठीक, आज का वीडियो भी जो है इसी पर आधारित है, वो विस्तृत है। अब जो मैंने कल ब्रीफ में इसको समझाया था, मैं उसको एक एक चीज़, आप लोगों के डिमांड है कि ग्रामर, ये हिंदी व्याकरण हमें एक एक चीज़ करके समझा दीजिएगा। मैं एक चीज़ भी नहीं छोड़ रही हूँ, आप विश्वास कीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब कंपन के आधार पर जैसे हमारे स्वर तंत्रियाँ कंपित होती हैं किसी भी वर्ण को बोलने में, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, तो कंपन के आधार पर जो हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण की दृष्टि से कंपन के आधार पर हमारे उच्चारण में जो प्राण वायु में कंपन होता है, उच्चारण में जो प्राण वायु में कंपन होता है, इसी प्राण वायु को किसी किसी बुक में मैंने नाद भी लिखा हुआ देखा है। आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत कीजिए, ये वो ही वायु है, ये वो ही हवा है जो हमारे वर्णों को बोलने में बाहर निकलती है, वो ही वाली हवा है, चाहे वो नाद है, चाहे वो प्राण वायु है। आई मेरे प्रिय बच्चों बात समझ में? ठीक है, अब जो कंपन होता है स्वर तंत्रियों में, जैसे मैं कहती हूँ र, कहती हूँ र, एक कंपन हुआ। ठीक, अब इसी कंपन के आधार पर आपके क्वेश्चन आते हैं, कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कंपन के आधार पर हम सबसे पहले लेते हैं वर्ण, जितने भी लिखे हैं कंपन के आधार पर लेते हैं, तो घोष और अघोष दो प्रकार के वर्ण, ये जो है कंपन के आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया है वर्णों को। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसमें मैं आज सिर्फ आपको अघोष पढ़ाऊंगी, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ये घोष और अघोष। सबसे पहले मैं उसी चार्ट में फिर ले चलती हूँ आपको, ये सारे व्यंजन जो हैं, ये सारे व्यंजन जो यहाँ से यहाँ तक के अघोष वाले कॉमन में, इसको छोड़ दीजिएगा, अभी स्पर्श छोड़ दीजिएगा, उसमें छोड़ दीजिएगा, और अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण ये सब छोड़ दीजिएगा, सिर्फ आप अघोष पर अपनी नज़रें टिकाइए। तो अघोष, जहाँ हम अघोष बोलते हैं, तो अघोष में इतने सारे वर्ण आते हैं, इस साइड के वर्ण नहीं, ये घोष वाले हैं, लेकिन अघोष वाले वर्ण ये हैं, क है, ख है, च है, छ है, श है, ट, ठ, प, त, थ, स, प, फ। और इसी के साथ कल मैंने एक चीज़ और बताई थी, ये द्विगुण व्यंजन जो उच्छिप्त व्यंजन हम बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन इंग, इंग और जो हम पढ़ाई में ल इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो है इसी के अघोष के ही भाग हैं। आ गई बात समझ में? सारे बच्चों को आ गई ना? अब देखिएगा, अब मैं स्पर्श और ऊष्म में न जा करके सीधे आती हूँ, स्पर्श और ऊष्म भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। अब स्पर्श वाले ये इस वाले कॉलम के हो गए, और ऊष्म वाले इस वाले कॉलम के हो गए, ऊष्म मतलब श, प, स, ठीक, इस वाले कॉलम के हो गई। अब यहाँ तक बात आ गई समझ में? तो जितने भी जो है अघोष व्यंजन हैं वो ये हो गई, क, ख, च, छ, श, ट, ठ, प, त, थ, स, प, फ। अब अघोष व्यंजनों को अगर हम दो भागों में बांटते हैं, ये अघोष को बांटा गया है अल्प प्राण और महाप्राण में, अघोष स्पर्श, अघोष स्पर्श अल्पप्राण, अघोष स्पर्श महाप्राण, अघोष ऊष्म महाप्राण। अब मैं अघोष स्पर्श अल्पप्राण बढ़ाने से पहले आपको सिर्फ, चाहे वो घोष का हो चाहे अघोष का हो, सिर्फ आपको नॉलेज देना चाहूँगी अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। फिर हम बांट लेंगे कि अघोष का अल्पप्राण ये है और घोष का अल्पप्राण ये है। आई बच्चों बात समझ में? ठीक, सबसे पहले अल्पप्राण, सिर्फ वो घोष का हो या अघोष का हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अघोष का अल्पप्राण है, ये अघोष का महाप्राण है, सिर्फ मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ अल्पप्राण और महाप्राण में क्या अंतर होता है। तो लिए चलती हूँ आपको अल्पप्राण और महाप्राण में।
मैंने पढ़ाया आपको, प्रिय बच्चों मैंने पढ़ाया आपको कि अल्प प्राण और महाप्राण, इससे पहले पढ़ाया अघोष, सिर्फ अघोष पढ़ाया, अब मैं सिर्फ आपको अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ा रही हूँ, सिर्फ अल्प प्राण और महाप्राण, और अघोष का अल्प प्राण, घोष का अल्प प्राण और अघोष का महाप्राण, अघोष घोष का महाप्राण, इसका हम बाद में छटनी करेंगे इनसे, ठीक। आप देखिएगा सिर्फ अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों को जो है उच्चारण के आधार पर माना गया है। अभी हमने घोष और अघोष किसके आधार पर माना था, कंपन के आधार पर माना था। अब हम उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में, फिर हम दो भागों में व्यंजनों को बांटते हैं, फिर दो भागों में व्यंजनों को बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे ही नाम से आपको लग रहा होगा अल्प मतलब बोलने में कम समय, ठीक। जरा इसको मैं अच्छे से ऐसे करके इसको पॉइंटिंग कर दूं, बोलने में अल्प समय कम समय, बोलते समय कम हवा, ठीक। अल्प अल्प है तो इसमें सब चीज़ की कमी होगी, ठीक। आप सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा, अल्प है तो बोलने में कम समय, मुख बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, वो ही प्राणवायु वाली बात, जैसे हम हाँ बोलते हैं, ठीक। अब इनकी संख्या, कभी कभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अल्प प्राण व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, या व्यंजन नहीं भी लिखा जाता है तो अल्प प्राण वर्णों की कितनी संख्या होती है, याद रखिएगा इनकी संख्या 20 होती है। दोनों घोष और अघोष दोनों मिल रहे हैं अभी, बाद में छटनी करेंगे, ठीक। वो बहुत डीप क्वेश्चन बन जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ अल्प प्राण और महाप्राण आपको अभी इसकी जानकारी दे रही हूँ। अब इसमें क्या होता है, 20 जो वर्ण होते हैं ये क ग ङ च ज यौ, ये यौ है, यौ आजकल के बच्चे यौ बोलिएगा इसको, ट ड अण, और ये इंग है इंग, ठीक है, जो द्विगुण में आता है, और त द न प ब म, और ये जो है अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको पढ़ाए हैं, य र ल व, ठीक। अब आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका, मैंने आपको कचट तप पढ़ाया है और वीडियो भी काफ़ी अच्छा वो चल रहा है, आप कचट तप समझिए वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, ठीक। तो जो है कचट तप वाला जो मैंने वीडियो दिया है, और इसमें कचट तप का मतलब है कौवर्ग चौवर्ग टौवर्ग तौवर्ग पौवर्ग, इसका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, ठीक है, अक्षर पांचवा अक्षर तथा चार अंतस्थ, अंतस्थ वाले तो यौ रौ लौ वौ हो गए। जैसे कचट तप कौवर्ग का पहला हो गया, ठीक है, ख को छोड़ दीजिए, फिर गौ, क ख ग, यानी ये ग आ गया, ठीक। फिर एक को बीच में छोड़ दीजिएगा, घ इंग आ गया, फिर छ को बीच में छोड़ दीजिएगा, च आ गया। इसलिए एक एक वर्ण बीच में मिस करते रहेंगे आप क वर्ग के, तो उतने अक्षर आपके कि किसके बन जाएंगे, अल्प प्राण के, ठीक। और एक उच्छिप्त, ये अक्सर कई बार ये पेपर्स में आ चुका है क्वेश्चन कि इंग जो है, इंग जो है ये भी दोनों अल्प प्राण में आते हैं, इस बात को समझिएगा। और यहाँ पर जो पेपर मेकर होते हैं, हमारे इवेल्यूएटर्स जो होते हैं, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दोनों को लिख दे रहे हैं कि ये जो है किस में आते हैं, अल्प प्राण या महाप्राण में, अल्प प्राण लगाइएगा उस समय, जो है आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। और इस कचट तप के पहला तीसरा पांचवा अक्षर आप बेधड़क लिख लीजिएगा, वो जो है अल्प प्राण के निकलते हैं। आप खुद भी जो है प्रैक्टिकल कीजिएगा कि क बोलते हैं तो कम थोड़ा समय लगता है, थोड़ी हवा निकलती है, ठीक। अब लिए चलती हूँ आपको मैं महाप्राण में, ठीक है। महाप्राण मतलब, महा मतलब सबसे पहले इसको समझिएगा आप, महाप्राण, प्राण मतलब प्राणवायु, ठीक। प्राणवायु मतलब वही नाद जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, कई बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं कि ये नाद क्या है, ये वही है जो हवा हमारी बोलने में बाहर को निकलती है, हवा बाहर को निकलती है, आप खुद भी ख बोलेंगे तो एक ख जो आप हमारी व्यंजन के साथ एक हवा आती है उसी को प्राणवायु बोलते हैं। तो प्राणवायु महा मतलब ज़्यादा, बोलने में अधिक समय और मुख से जो है अधिक वायु निकलती है, ठीक।
और बोलने में प्रयत्न भी अधिक करना पड़ता है। इसमें जो प्राण महाप्राण व्यंजन होते हैं हमारे, या महाप्राण वर्ण बोलिएगा जो भी आप चाहते हैं, व्यंजन और व्यंजन भी वर्ण के ही अंदर आते हैं, तो इसको बोलने में अधिक प्रयत्न भी, जैसे ख बोलते हैं तो हम थोड़ा सा हल्का सा जोर लगता है, ठीक। अब ऐसे ही हम घ बोलते हैं, झ बोलते हैं, ठ, ड, थ, इसमें जो है ज़्यादा समय लगता है, ठीक। अब याद रखने की एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, वो ही कचट तप में चलिएगा, ठीक है। कचट तप, अभी मेरे पास यहाँ पर इमेज नहीं है उसकी, नहीं तो मैं दिखा देती हूँ, वो दूसरी नोटबुक में रह गई है। आप कचट तप वाला वीडियो, कचट तप समझिए वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने दिया है आपको। अब कौवर्ग, चौवर्ग, टौवर्ग, तौवर्ग, पौवर्ग का दूसरा, अब इसमें क्या था, पहला का पहला, इसमें कचट तप का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर, इसमें वही चीज़ आगे बढ़ जाती है, ठीक है, का चौथा अक्षर, दूसरा एवं चौथा, क्योंकि पांचवा तो ये आ गया, बीच में क्या छूटा, ये तो एक तो दूसरा छूटा, एक चौथा छूटा। जैसे मैं क वर्ण के यहाँ पर और विस्तृत समझाती हूँ आपको, जैसे ये क वर्ग के हम वर्ण लिखते हैं, ठीक है, इसमें क वर्ग के वर्ण क्या आ गए, पहला ख, दूसरा ग, तीसरा ग, चौथा घ, घ, घ चौथा, ग पांचवा, ठीक। अब ये क वर्ग का पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा, इतना हो गया। अब अल्प प्राण में ये आ गया एक, ये पहला, तीसरा, पांचवा, आ गई बात समझ में। वही चीज़ महाप्राण में कौन बचे, दो ही तो बचे, ये ख और घ, इससे अधिक ज़्यादा से समझ में आ गया होगा आपके। ये अल्प प्राण हो गए, ये दूसरा और चौथा, ये क्या हो गए आपके, महाप्राण हो गए, ठीक। एक तो पहचानने की ये ट्रिक, दूसरा उसमें व्यंजन जो श, तीनों श, श जो हम बोलते हैं, फिर श, फिर स और ह, ये तीनों ऊष्म व्यंजन जाने जाते हैं, और इसके साथ एक उच्छित उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। पहला द्विगुण व्यंजन जो है किसमें, अल्प प्राण में, दूसरा, दो ही तो द्विगुण व्यंजन होते हैं इसमें, जिसको वर्णों में शामिल किया गया है, 52 वर्णों में जो द्विगुण व्यंजन दो शामिल किए गए हैं, वो यही हैं, इंग और ण, पढ़ना जो हम बोलते हैं, ठीक। ये जो है महाप्राण हो गया, ये जो है अल्प प्राण हो गया। अब जो है आपको अल्प प्राण और महाप्राण में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। अगर आप जल्दीबाजी में हैं इसको याद रख लीजिएगा, अपने आप अल्प प्राण और महाप्राण की प्रॉब्लम समाप्त। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है मेरे टॉपिक से रिलेटेड तो भी कमेंट कीजिएगा। स्वस्थ रहिएगा और मेहनत कीजिएगा, सफल होइएगा। जय हिंद, जय भारत।